असलमकम दोस्तों मेरा नाम है शमीर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शमीर हुसैन दोस्तों अगर क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट पसंद ना हो हर स्पोर्ट मैच की तरह क्रिकेट के प्लेस में भी लड़ाई हो जाती है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट में आज तक होने वाली सबसे रफ फाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बसानी पहुंच सके नंबर फोर दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफरीदी लाला बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी हैं और ये खेल के मैदान में किसी से नहीं डरते नवंबर 2007 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा था और मैच के उन्नीसवें ओवर में शाहिद अफरीदी बॉलिंग करवा रहे थे तो गौतम गंभीर सिंगल रन लेने के लिए आगे बढ़े तो रास्ते में शाहिद अफरीदी को धक्का मार दिया आफरीदी को गुस्सा आ गया और वह सीधा गौतम के पास चले गए और इन दोनों में बहस शुरू हो गई इस बहस में मामला गर्म हो गया और दोनों खिलाड़ी गाली गलोज पर उतर आए आफरीदी ने गौतम को वहाँ से निकलने का कहा अम्पायर ने समझा कर मामला हल करने की कोशिश की लेकिन ये दोनों ही प्लेयर्स बहुत गु़स्से में थे अम्पायर गौतम के पास गया और समझाया कि गलती उसकी है मगर उसने गलती मानने से इनकार कर दिया इन प्लेयर्स के इस रवैये पर दोनों को भारी फ़ाइन किया गया ताकि ऐसा दोबारा ना हो नंबर थ्री दोस्तों ये जो मैच आप देख रहे हैं ये 2011 के वर्ल्ड कप का है इस मैच में इंडिया और बांग्लादेश की टीम खेल रही थी बांग्लादेश टीम के बॉलर रुबेल हुसैन बॉलिंग करवा रहे थे और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे रुबेल एक के बाद एक ज़बरदस्त बॉल दे रहे थे और विराट कोहली इसकी वजह से एक भी रन नहीं बना पाए अच्छी परफॉर्मेंस ना होने पर विराट कोहली अपनी गलती मानने की बजाय गुस्से में आ गए और रोबेल की तरफ गुस्से से देखा और बिला वजह इनको गालियाँ देना शुरू कर दी। रोबेल ने एक दफ़ा विराट की तरफ़ देखा और कहा कि इसे क्या हो गया है फिर इन्हें इग्नोर कर दिया लेकिन विराट की गाली देने के बाद रुबेल को भी गुस्सा आ गया उन्होंने ऐसी बॉलिंग करवाई कि विराट की विकेट गिर गई और आउट हो गए यह सीन सच में देखने लायक था नंबर टू दोस्तों अगस्त 2014 में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टी मैच हो रहा था इस मैच के दौरान जब श्रीलंका की एक बैट्समैन दिलशान बैटिंग कर रहे थे तो इनका पाकिस्तान टीम के प्लेयर शहजाद अहमद से झगड़ा हो गया अहमद दिलशान पर बहुत गुस्सा हुए पहले इन दोनों के दरमियान तलह कलामी हुई फिर मामला हाथापाई तक आ गया अहमद ने गुस्से में आकर दिलशान का बैट पकड़ लिया और मामला काफ़ी गर्म हो गया दोनों प्लेयर्स में काफ़ी बहस हुई और आहिर अहमद ने दिलशान को धक्का देकर वहाँ से जाने के लिए कहा मामले को सॉल्व करने के लिए एम्पायर भी वहाँ आ जाता है और अहमद का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ इस मैच के ख़त्म होने के बाद जब दिलशान वापस जा रहा था तो अहमद उसके पास आए और इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी अहमद ने कहा अगर वो इस्लाम कबूल करेगा तो जन्नत में जाएगा लेकिन दिलशान का जवाब ये था कि वो जन्नत में जाना ही नहीं चाहता तो फिर अहमद ने कहा और वहाँ से चले गए कि फिर आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ ये क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में से एक था नंबर वन दोस्तों किसी भी मैच के दौरान एम्पायर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है मैच के दौरान एम्पायर को कोई गलती नहीं कर सकता लेकिन कभी कभार इनसे भी गलती हो जाती है ये जो मैच आप देख रहे हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम खेल रही थी मैच के दौरान जब इंडियन बॉलर राइना ने बॉल करवाई तो माइकल इसे प्ले नहीं कर पाए और विकेट कीपर धोनी ने इन्हें आउट कर दिया एम्पायर ने भी इसे आउट करार दिया जब वीडियो देखी गई तो ये नॉट आउट था एम्पायर फ़ौरन भाग कर बैट्समैन के पास गया और कहा कि के वापिस खेल लो क्योंकि वो नॉट आउट था इस बात पर इंडिया के कप्तान धोनी को गुस्सा आ गया और वो एम्पायर से बहस करना शुरू हो गए धोनी ने एम्पायर को हूब सुना दी जिससे इनके दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हो गई यह सीन रियली अनबिलीवेबल था तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज